फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज के लेक्चर में हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। वेलोसिटी के जो भी डिफरेंट टॉपिक्स है उसके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी एंड स्पीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज स्पीड जो टॉपिक है दैट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के अंदर सिंपल सा इक्वेशन यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। सपोज आप कोई एग्जांपल में डिफाइन कर लो कि डिफरेंट डिस्टेंस है d1, d2, d3 अप टू dn है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हियर d1, d2 अप टू dn आर डिफरेंट डिस्टेंस इन अ टाइम t1, t2 अप टू tn। तो जो फॉर्मूला क्रिएट होगा यहाँ पे फॉर्मूला डिफाइन करेंगे तो v एवरेज इज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस अप टू dn डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस अप टू tn। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट में डिस्टेंस नहीं दिया है, टाइम दिया है और सिर्फ वेलोसिटी दिया है, मतलब कि आप डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट केस में केस वन लिख दो, इन टाइम t1 t2 अप टू tn, इन टाइम t1 t2 अप टू tn द वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ सॉरी वेलोसिटी द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज v1 v2 अप टू vn। जो स्पीड डिफरेंट डिफाइन किए हर एक टाइम के अंदर v1 v2 अप टू vn। तो आपको ये जो फॉर्मूला है वो वेलोसिटी के स्पीड के अंदर फाइन करने के, डिफरेंट स्पीड है तो डिफरेंट स्पीड के अंदर क्या फॉर्मूला मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफाइन कर सकते हो कि v1 इज इक्वल टू d1 बाय t1, बट d1 नहीं है तो d1 को सब्जेक्ट कर लो, तो d1 इज इक्वल टू v1 d1। देन आफ्टर v2 इज इक्वल टू v2 को सब्जेक्ट कर दें तो v2 इज इक्वल टू d2 बाय t2, सो वी कैन रिप्रेजेंट d2 इज इक्वल टू v2 t2। तो ये पूरी मेथड कहाँ तक चलती है, तो आप लिख सकते हो dn इज इक्वल टू, dn की जो भी वैल्यू है वो लिखनी है तो dn इज इक्वल टू क्या होगा vn tn। ओके, चलो कोई बात नहीं है, सभी वैल्यू जो है आप प्लेस कर दो तो आंसर होगा यहाँ पे v एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा d1 प्लस d2 अप टू dn डिवाइड बाय t1 प्लस t2 अप टू tn। ओके, वैल्यू प्लेस कर दो, d1 जो है वहां पे आप लिखेंगे v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस अप टू vn tn। देन आफ्टर डिवाइड में t1 प्लस t2 अप टू tn, सो डिवाइड बाय t1 प्लस t2 अप टू tn। लेट सपोज ऑल द टाइम इंटरवल आर इक्वल, सो जितना भी टाइम इंटरवल है वो सेम है, तो आप सपोज कर सकते हो कि हियर टाइम इंटरवल आर इक्वल, सो t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू tn, जितनी भी वैल्यू है हर एक की वैल्यू सेम है, इज इक्वल टू t अज्यूम कर लो। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, v एवरेज इज इक्वल टू v1d प्लस v2d प्लस अप टू vn d और डिवाइड विथ t प्लस अप टू t। ओके, यहाँ पे t कॉमन तो अंदर रहेगा v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn और डिवाइड के अंदर बनेगा n टाइम t, तो आप लिख सकते हैं n t ऊपर और नीचे कैंसल, सो v एवरेज की जो वैल्यू मिल रही है v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn डिवाइड बाय n। मतलब कि टाइम इंटरवल सेम है और डिफरेंट स्पीड रिप्रेजेंट की है, तो उस कंडीशन से एवरेज स्पीड जो मिलेगी दैट इज एडिशन ऑफ ऑल द स्पीड डिवाइड बाय एन, मतलब कि आपको मीन फाइंड करना है, जो मीन डायरेक्टली फाइंड कर लेते हो तो
तो स्पीड का मीन दैट इज योर एवरेज स्पीड, बट ये याद रखना है कि टाइम इंटरवल सेम होने चाहिए, टाइम इंटरवल कैसे होने चाहिए, कॉन्स्टेंट। ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन में भी। जो फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे स्पीड से रिप्रेजेंट किया है, अभी टाइम नहीं दिया, डिस्टेंस तो दे दिया ऑलरेडी, टाइम नहीं दिया, तो उस कंडीशन पे आप इक्वेशन डिराइव करो। देखो फॉर स्पीड वी वन v2 up to vn, the distance is d1 d2 up to dn। यहाँ पे पर्टिकुलर स्पीड रिप्रेजेंट की है, स्पीड के अंदर आपको बोला कि v1 v2 up to vn तक स्पीड है, तो यही स्पीड का यूज करके, ये जो भी स्पीड दी है उसका यूज करके आपको डिस्टेंस भी डिफाइन किया है d1 d2 अप टू dn। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन में है कि आपको फाइंड क्या करना है, तो सिंपल सी चीज़ है, एवरेज स्पीड का इक्वेशन फाइंड करना। ओके तो आप लिख सकते हो v एवरेज इज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस अप टू dn डिवाइड बाय t1 प्लस t2 अप टू tn, बट आपके पास टाइम नहीं है तो हमको टाइम को सब्जेक्ट करना पड़ेगा और t1 d2 और tn की वैल्यू प्लस करनी पड़ेगी। ओके लिखो इनिशियली v1 is equal to d1 by d1, so t1 is equal to d1 by v1, second v2 is equal to d2 by t2, so t2 is equal to d2 by v2, और last में vn find करो तो vn is equal to dn by tn, so time tn is equal to dn by vn। आ रहा है समझ में? okay तो basically यहाँ पे आपको equation मिल रहे हैं, तो इसी इक्वेशन का यूज करके यहाँ पे जितने भी इक्वेशन मिल रहे हैं उसका यूज करके t1 t2 अप टू tn में वैल्यू प्लेस कर देते हैं। चलो v एवरेज इज इक्वल टू d1 प्लस d2 अप टू dn डिवाइड बाय t1 की वैल्यू मिल गई d1 बाय v1 प्लस d2 बाय v2 प्लस लास्ट में tn की वैल्यू dn बाय vn। ओके वी एवरेज की वैल्यू आप लिखते हो तो d1 वन प्लस डी टू अप टू डी एन डिवाइड बाई टी वन डी वन बाई वी वन प्लस डी टू बाई वी टू अप टू डी एन बाई। ओके सपोज करते हैं हियर डिस्टेंस फॉर ईच इंटरवल आर रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब जितने भी इंटरवल है हर एक इंटरवल के लिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो क्या होगा? तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम डिफाइन कर सकते हैं d1 इज इक्वल टू d2 अप टू dn इज इक्वल टू d, यानी कि जो भी वैल्यू है d1 d2 अप टू dn के वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो देखो आंसर क्या होगा, v एवरेज इज इक्वल टू d प्लस d प्लस अप टू d। देखो है d1 d2 up to dn की जगह पे हम सिर्फ d लेते हैं, तो d plus d up to d, then after d divided by v1, d divided by v2, up to d divided by vn। ऊपर कॉमन क्या आएगा, तो v average is equal to n times d divided by नीचे d common 1 by v1 plus 1 by v2 up to 1 by vn, d common and cancel, so v average is equal to n divided by 1 by v1 plus 1 divided by v2 plus 1 divided by vn। मतलब कि अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप डिफाइन कर रहे हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप डिफाइन कर रहे हैं, तो आंसर क्या मिलेगा, तो आंसर मिलेगा n divided by 1 by v1 plus 1 by v2 plus up to 1 by vn। तो ये फॉर्मूला जल्दी से याद कर लो, याद रखना है। देन आफ्टर बात करेंगे वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी सो सिंपल सा इक्वेशन, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ऐसे फॉर्मूला में लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी वी वेक्टर के फॉर्म में, इधर
वी बार के फॉर्म में, और इधर लास्ट में लिखेंगे वी एवरेज। वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में लिखना। तो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। आपको सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम। और यहाँ पर जो फॉर्मूला मिलेगा आप लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा डी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा डी इज इक्वल टू वी एवरेज। और वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और जो स्पीड है इट इज द स्केलर क्वांटिटी। जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। तो जैसे हमने स्पीड के बारे में डिफरेंट केस डिफाइन किया, वैसे वेलोसिटी के बारे में डिफरेंट केस असाइन करते हैं। तो फर्स्ट केस है केस वन। केस वन के अंदर आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो कि अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो आप डिफाइन कर दो कि इफ वेलोसिटी चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। याद रखना है कि अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी। ओके, केस टू में यहाँ पे इफ वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन, मतलब कि पोजीशन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है, देन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एस डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ये डिफरेंट फॉर्मूला से आपको रिमाइंड रखना है, मतलब कि फर्स्ट टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला ये वाला है। अगर सेकेंड केस के बारे में स्टडी करते हैं कि सेकेंड केस में पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला ऐसे। ओके, नाउ वी आर टेकिंग द फॉर्मूला इज, मतलब इसको आप डिफाइन कर लो कि आपको टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होती है और स्पीड सॉरी डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होती है, वो फाइंड करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हियर वेलोसिटी वी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस टू टी प्लस वन, टी स्क्वेयर प्लस टू टी प्लस वन एंड चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो आपको यहाँ पे फाइंड करने के एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ओके, और टाइम इंटरवल दिया है टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू वन सेकेंड, जीरो से लेके एक सेकेंड के अंदर टाइम चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी का इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है। ओके, चलो फाइंड करते हैं। v एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी, v की वैल्यू लिखो t स्क्वायर प्लस टू टी प्लस टी इंटू डी टी इंटू डी टी, मतलब कि ये डी टी जो है यहाँ पे पीछे लिखना ही है, और v है ऑलरेडी, तो v की वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। स्टार्टिंग लिमिट जीरो और फाइनल लिमिट है टू वन, फाइनल लिमिट है वन, और डिवाइड बाई ओनली फॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड ओवर टू वन, जो खत्म होता है वो लिमिट है वन। तो अभी देखो यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो हर एक टर्म को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर ऐसे मिलेगा वी एवरेज इज इक्वल टू सेपरेटली इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू डी टी, टी स्क्वायर इंटू डी टी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू वन प्लस टू कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी टी जीरो टू वन प्लस सिर्फ क्या है वन है, सिर्फ क्या है वन टू टी प्लस वन, तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी टी, वन इंटू डी टी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ओवर टू वन। ओके, एंड डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ ओनली डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ ओनली डी टी,
तो यहाँ पे भी डी टी का इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी डी टी का इंटीग्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू वन, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू वन। ओके, इंटीग्रेशन का रूल सिंपल से कि यहाँ पे x रेस टू n है, उसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, dx के रिस्पेक्ट में x रेस टू n का इंटीग्रेशन, तो फाइनलाइज आंसर मिलेगा x की जो भी पावर है n पावर, उसमें एक पावर ऐड होगी n प्लस वन, एक पावर ऐड होगी तो n प्लस वन, और जितनी पावर ऊपर होती है वो टोटल एडिशन वाली पावर नीचे आएगी डिवाइड बाय n प्लस वन। एग्जाम्पल के साथ रिप्रेजेंट करो, x की फाइव पावर है, इसका इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो वन पावर इंक्रीज होगी तो फाइव प्लस वन यानी कि सिक्स, और जितनी पावर ऊपर होती है फाइव प्लस वन वो डिवाइड में, तो एक्स एस टू सिक्स डिवाइड बाई सिक्स। ओके, अगर इंटीग्रेशन के बारे में पता नहीं चल रहा है तो उसका फुल वीडियो मैं आपको बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना किस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो और डिफ्रेंशिएशन दोनों की वीडियो अपलोड कर दूंगा। देखो यहाँ पे टी की टू पावर है, इंटीग्रेशन करते टी की थ्री पावर हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो टी रेस टू थ्री और डिवाइड बाई थ्री, अपर लिमिट वन लोअर लिमिट जीरो, प्लस टू कॉन्स्टेंट बाहर रहने दो, टी की यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं लिख रही है तो क्या होगा वन, टी की वन पावर वन थी और वन इंक्रीज होगी तो टू डिवाइड बाई टू, अपर लिमिट वन लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट वन लोअर लिमिट जीरो। लास्ट वन में वन है तो वन का इंटीग्रेशन टी होगा, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा टी, और टी है उसका डिफ्रेंशिएट पूछ रहे हैं तो वन होगा, याद रखना इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएट में ये रूल है, तो वन की जगह पे आप टी लिख दो, अपर लिमिट वन और लोअर लिमिट जीरो, एंड डिवाइड बाय डी टी है तो डी टी का सिर्फ इंटीग्रेशन आप डिफाइन कर सकते हो टी, अपर लिमिट वन और लोअर लिमिट जीरो। ओके, लिमिट असाइन कर दो, तो अगर लिमिट असाइन कर रहे हो तो टी क्यूब, और वहां पे जब अपर लिमिट वन प्लेस करनी है तो वन बाई थ्री पहले कॉमन निकालो, वन बाई थ्री कॉमन, टू टू कैंसल, तो फर्स्ट टाइम वन प्लेस करो तो वन क्यूब माइनस जीरो क्यूब, जो टी लिखा है टी की जगह पे फर्स्ट टाइम वन प्लेस करना है और सेकेंड टाइम जीरो प्लेस करना है, वन क्यूब माइनस जीरो क्यूब प्लस टी स्क्वायर, फर्स्ट टाइम वन स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, वन स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, एंड लास्ट वन टी, तो टी में वन माइनस जीरो एंड डिवाइड बाई टी और वन माइनस जीरो। क्लियर? ओके, तो आंसर क्या मिलेगा, वन क्यूब वन उसके डिवाइड में थ्री है तो थ्री वन थर्ड, प्लस वन स्क्वायर यानी कि वन और वन डिवाइड बाई वन, तो आंसर क्या होगा एलसीएम में, वन बाई थ्री प्लस टू एलसीएम होगा थ्री, फाइव बाई थ्री आंसर मिलेगा आपकी जो एवरेज वेलोसिटी मिल रही है, एवरेज वेलोसिटी दैट इज द फाइव बाई। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली इसी मोड से आप फाइंड कर सकते हो, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है तो एक्स की कंडीशन यूज कर लो, वो भी एक एग्जांपल के साथ में हम स्टडी कर लेते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, केस टू के बारे में पढ़ना है तो केस टू के बारे में दूसरा कोई इक्वेशन लेते हैं, लेकिन वो चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन, पोजिशन के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि v इज इक्वल टू x प्लस फाइव, जो वेलोसिटी है चेंज हो रही है पोजीशन के रिस्पेक्ट में, v इज इक्वल टू x प्लस फाइव, तो आपको फाइंड क्या करना है कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इक्वेशन लिख सकते हो आप v एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू ds, ds लिखो या dx लिखो तो कोई भी चलेगा, क्योंकि पोजीशन x है, यहाँ पे आप लिख सकते हो x इज द पोजीशन, तो आपको पोजीशन की टर्म्स कौन सी होगी x, अगर यहाँ पे ds है तो ds के फॉर्म में लिखो, x है तो x के फॉर्म में, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से क्रिएट होगा, डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dx, डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dx एंड पोजीशन चेंजिंग फ्रॉम जीरो टू फाइव, पोजीशन जो भी है वो चेंजिंग कहाँ से हो रही है, जीरो से लेके फाइव तक। देखो v एवरेज इज इक्वल टू v की वैल्यू प्लेस करो, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस फाइव इंटू डी एक्स, स्टार्टिंग लिमिट जीरो फाइनल लिमिट फाइव, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx, स्टार्टिंग जीरो और जो फाइनल लिमिट है आपकी
दैट इज द फाइव. इंटीग्रेशन करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हैं. तो वी एवरेज इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 टू 5 प्लस 5 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, 5 कॉन्स्टेंट है बाहर निकालो, 0 टू 5 एंड डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ओवर टू 5. एक्स की कितनी पावर है, 1 पावर है. एक्स की कितनी पावर है, 1, तो यहाँ पे लिख दो 1. यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आगे 1 लिख सकते हो. मैंने बोला 1 का इंटीग्रेशन होगा x और यहाँ पे भी 1 है तो इसका इंटीग्रेशन होगा x. ओके, देखो यहाँ पे x रेस टू 1 है तो पावर होगी x रेस टू 2, 1 इंक्रीज होगी, डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 0. ये फर्स्ट पार्ट का था. प्लस 5 कॉन्स्टेंट है बाहर रहने दो. dx का इंटीग्रेशन आगे 1 है तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 0 डिवाइड बाय dx का वापस इंटीग्रेशन x अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 0. लिखो 1/2 कांस्टेंट बाहर, 1/2 कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर उसकी अपर लिमिट 5 है लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 5 है लोअर लिमिट 0 है, प्लस 5 इनटू x अपर लिमिट 5 और लोअर लिमिट 0 डिवाइड बाय x अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 0. चलो अभी लिमिट अप्लाई करते हैं. 1/2 जहाँ पे x है वहाँ पे फर्स्ट टाइम 5 लिखो तो 5 स्क्वायर. जब लोअर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो बीच में माइनस लिखो, लोअर लिमिट अप्लाई कर तो बीच में माइनस, तो माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 कॉन्स्टेंट बाहर है तो बाहर ही रहने दो. फर्स्ट टाइम x की जगह पे 5 लिखो तो 5 आ गया, लेकिन आप 0 की लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो बीच में माइनस और 0 की लिमिट एंड डिवाइड बाई, वैसे ही x है तो x की जगह पे फर्स्ट टाइम 5 लिखो और सेकेंड टाइम 0 लिखो तो 5 माइनस 0. ओके, 5 का स्क्वायर 25/2, 25 डिवाइड बाय 2, 5 इंटू 5 प्लस 25 एंड डिवाइड बाय 5. एलसीएम क्या होगा, 2, तो 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 75 डिवाइड बाय 5 और 2 डिवाइड में आ गया तो 2, तो 75 डिवाइड बाय 5 कितना होगा, 15 by 2 मतलब कि 7.5 आंसर मिलेगा. क्या मिलेगा, 7.5. समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे ये मेथड से अब क्या फाइंड कर सकते हो, एवरेज वेलोसिटी. टू डिफरेंट इक्वेशन है, जब टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी. अगर वेलोसिटी पोजिशन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एस डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस. यही मेथड का आपको यूज करना है और आंसर फाइंड करना है. तो फ्रेंड्स जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, नोट कर लो. देखो फ्रेंड्स यहाँ पे टू डिफरेंट क्वेश्चन दिए है. क्वेश्चन में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल देन आफ्टर वी आर कैलकुलेटिंग द क्वेश्चन. अ कार मूव विद अ वेलोसिटी 2.24 किलोमीटर पर आवर इन अ फर्स्ट मिनट, यानी कि फर्स्ट मिनट के अंदर जो भी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कुछ वेलोसिटी असाइन किए, दैट इज द 2.24. 3.60 किलोमीटर पर आवर इन सेकेंड मिनट, सेकेंड मिनट के अंदर जो वेलोसिटी है 3.60 है एंड 5.18 किलोमीटर पर आवर इन द थर्ड मिनट, जो लास्ट थर्ड मिनट है उसके अंदर 5.18 किलोमीटर पर आवर से वो मोशन कर रहा है. कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी इन दिस 3 मिनट, यानी कि ये 3 मिनट के अंदर एवरेज वेलोसिटी क्या है वो फाइंड करनी. तो आपको इक्वेशन चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. तो देखो टोटल टाइम तो आपके पास है 3 मिनट, टोटल टाइम है 3 मिनट, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है. टोटल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है तो आपके पास अलग अलग सेशन है, तो फर्स्ट के लिए आपको एस वन मिलेगा, सेकेंड के लिए एस टू मिलेगा और थर्ड के लिए एस थ्री मिलेगा. तो आप यहाँ पे लिखो वी वन इज इक्वल टू एस वन बाई टी वन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. सो एस वन इज इक्वल टू वी वन टी वन, वी वन टी वन फर्स्ट की वेलोसिटी असाइन की है 2.24, टाइम जो दिया है 1 मिनट, लेकिन उसको आर में कन्वर्ट करना है तो 1/60 होगा, 1/60 एस वन मिल गया यहाँ. चलो वैसे ही एस टू फाइंड कर सकते हैं, वी टू इंटू टी टू, सेकेंड की वेलोसिटी क्या है 3.60 मल्टीप्लाई विथ 1 मिनट, मिनट को आर में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाई 60, तो आंसर मिलेगा 3.60/60. अभी कुछ
कट नहीं कर रहे, जो भी आंसर वैसे फॉर्म में रहने दो। एंड एस थ्री लिखो तो एस थ्री इज इक्वल टू वी थ्री इंटू टी थ्री, सो वी थ्री की वैल्यू है 5.18 डिवाइड बाई 1 इंटू डिवाइड बाई 60, मतलब के जो मिनट है, एक मिनट है, और उसको आर में कन्वर्ट कर तो डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा, तो फाइनलाइज आंसर 5.18 डिवाइड बाई 60। ओके देखो एस वन मिल गया, एस टू मिल गया, एस थ्री मिल गया, और आपको टाइम भी पता है, टोटल टाइम 3 मिनट, 1 + 1 + 1 3 मिनट, तो 3 मिनट को आर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 60 होगा, तो 1/20 होगा। ओके लिखो फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री डिवाइड बाई टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। क्लियर, हर एक की वैल्यू लिखो, 2.24/60, ये 3/60 भी लिख सकते हैं, प्लस 3.60/60, प्लस कौन सी वैल्यू 5.18/60, और डिवाइड में टोटल टाइम 3/60 ऐसे रहने दो। चलो नीचे 60 कॉमन, यहाँ पे भी 60 कॉमन, हर एक जगह पे 60 कॉमन एंड कैंसल, तो आंसर क्या मिलेगा, 2.24 प्लस 3.60 प्लस 5.18 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे एडिशन करो, 4 + 0 = 4 + 8 = 12, 1 कैरी 3 + 3 = 9 9 + 1 = 10 0 1 कॉमन, तो 3 + 3 = 6 6 + 5 = 11, तो आंसर मिलेगा 11.02 डिवाइड बाई 3। जो भी आंसर मिल रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेजेंगे। ओके यहाँ पे जो भी आंसर मिलेगा उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेजना है। चलो एक टॉपिक खत्म, नेक्स्ट है पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी, मतलब कोई भी पार्टिकल ए से लेके बी तक मूव कर रहा है, मूविंग इन अ सेमी सर्कुलर रेडियस इन 1 मीटर। देखो ऐसा सेमी सर्कुलर पाथ है, ये से स्टार्ट किया बी पे गया, इस मोशन में मोशन कर रहा है। ओके तो सेमी सर्कुलर पाथ के अंदर ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, तो आपको फाइंड करना है इट्स एवरेज वेलोसिटी। क्या फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी। तो देखो यहाँ से सेमी सर्कुलर पाथ इतना है, दैट इज कॉल योर पाथ लेंथ, बट आपको तो क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर, तो मैं लिखूंगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर बाय टाइम। देखो तो डायमीटर क्या होगा, 2r, तो लिखो 2r डिवाइड बाय टाइम कितना है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड, तो 2 × 1/1, सो आंसर मिलेगा 2, और यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। यहां पे यूनिट कौन सा होगा, तो किलोमीटर पर आर, कौन सा यूनिट होगा, किलोमीटर पर आर, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड के अंदर ऑलरेडी डिफाइन किया। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रखते, अगर आपने यहाँ तक वीडियो पढ़ा है, मतलब कोई पूरा वीडियो देखा है, तो आपको शायद कम्प्लीटली समझ में आता होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को दबा दीजिए, और मैक्सिमम अपने फ्रेंड तक ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।